आगरा ब्रेकिंग। टोरेंट पावर के बिजली बिल माफी को लेकर बाबा बाल योगी ने आज कोटी मीना बाजार पर धरना प्रदर्शन का किया था ऐलान। धरना प्रदर्शन से पहले ही बाबा बाल योगी को आगरा पुलिस प्रशासन ने किया नजरबंद। बाबा के समर्थन में आगरा शहर के शहरवासी उतरे सड़कों पर। टोरेंट पावर मुर्दाबाद के लगाए गए नारे। आगरा बिजली माफी को लेकर आगरा की जनता ने टोरेंट पावर के खिलाफ जमकर किया प्रदर्शन। आगरा के कोटी मीना बाजार मैदान पर होना था आज प्रदर्शन। प्रदर्शन से पहले ही कोटी मीना बाजार को आगरा पुलिस प्रशासन ने छावनी में तब्दील किया। आगरा से इमरान खान की रिपोर्ट, प्राइमेटी न्यूज। और पीछे हो जाओ, मैं ये बिजली के बिल को लेकर इनकी कुछ आपत्तियां हैं, कुछ मांगे हैं, जिसके बारे में इन्होंने ये आज ज्ञापन देने जा रहे हैं। और हम लोग वरिष्ठ अधिकारी जो भी संबंधित विभाग है उनसे ज़रूर वार्ता करके जो भी इसमें नियम अनुसार कार्रवाई हो सकती है वो अवश्य करवाया जाएगा। अभी जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या मतलब? जी, जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनको क्या बताएंगे यहाँ से? उनसे यही निवेदन है कि इस प्रकार का धरना प्रदर्शन कोरोना बीमारी को देखते हुए ना करें, क्योंकि वो ना सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि उनके खुद के लिए और उनके परिवार के लिए बहुत हानिकारक है, जिस हिसाब से बीमारी आज भी हम लोग उससे लड़ रहे हैं। यही सभी से यही अनुरोध है कि इस बीमारी को देखते हुए इस तरह की कोई कार्रवाई ना करें और जो भी अपनी बात है वो नियमानुसार कम से कम लोगों के साथ जाकर उसको रखें। ठीक, देखिए सर, टोरेंट पावर कंपनी यहाँ विद्युत सप्लाई करती है आगरा में। लॉकडाउन अवधि में हम लोग अपने मन से नहीं रहे हैं अपने घरों में। हम लोगों को प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि अपने घरों में रहना, बीमारी आ गई है। 2020 कमाने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है। तो सर, कोई कमा नहीं रहा, कोई खा नहीं रहा है, जमा पूंजी भी लोग दे चुके हैं। आज टोरेंट पावर कंपनी इस महामारी में बिजली कनेक्शनों को काट रही है, जिनके पास पैसे नहीं है उनके। ऐसी स्थिति में लोग बिजली दैनिक जरूरी इस्तेमाल करने की ज़रूरत का सामान है उसको काटा जा रहा है। तो इसके विरोध में आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है, और धरना प्रदर्शन भी एक साथ नहीं किया है, हमने पब्लिक को कभी नहीं बुलाया। हम टोरेंट कार्यालय से लेकर के हमने अपना आंदोलन शुरू किया अकेले ने, और जब किसी ने नहीं सुना तो हमने हाई कोर्ट में 2 PIL डाल रखी है कि लॉकडाउन अवधि का बिजली बिल आगरा की जनता नहीं दे पाएगी। जब किसी ने सर नहीं सुना है, तब हम लोगों ने लाइट काटने के विरोध में आज धरना प्रदर्शन रखा था कोठी मीना बाजार मैदान में, जिसकी हम लोगों ने परमिशन भी डाली थी, लेकिन इन लोगों ने दी नहीं है। रात को ही, कल रात को इन लोगों ने मुझको 20-20 लाख के मुचल के भेजे हैं और मुझे पाबंद किया है, जबकि इतिहास में पहली बार ऐसा है कि किसी एक साथ 16 में 20-20 लाख के इन लोगों ने 40 लाख के मुचल के मुझे भेजे हैं। फिर भी कोई बात नहीं, अगर मैं गिरफ्तार होता हूं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आगरा की जनता पर सर पैसे नहीं है। अगर कोई नेता इस बात को सुन रहा हो, कोई जनप्रतिनिधि सुन रहा हो तो सुन लो, वास्तविकता में लोगों की हालत ख़राब है, पैसे नहीं दे पाएंगे। और आप नहीं मानेंगे तो हम लोग आंदोलन करेंगे, जो हमसे बनेगा वो करो, जो आप कर सकते हैं वो आप करिए, लेकिन हम आंदोलन नहीं छोड़ेंगे। ये मेरा अधिकार है आंदोलन करने का, लोगों पर पैसे नहीं है। जिस तरीके से आगरा प्रशासन का जो रवैया देखने को मिला है उस बारे में क्या कुछ कहना है? हम लोग जैसे ही पहुंचे हमको उठा लिया गया है। लोग काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आए हैं और हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अभी भी, और यदि हमारी मांग को माना जाता है तो ठीक है, अन्यथा हम लोग इससे भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे आने वाले। हाँ, अभी गिरफ्तार कर लिया है सर। कितने लोगों को गिरफ्तार किया आपके सर? हमारे साथ हमको ही कर रखा है शायद अभी, तो और अभी मालूम पड़ जाएगा आगे की रणनीति क्या रहेगी। आगे की रणनीति ये, अगर गिरफ्तार करते हैं सर, जहाँ जेल जाएंगे वहाँ आंदोलन करेंगे, छूट आएंगे तो फिर रोडों पे करेंगे, अन्यथा अगर ये हमारी बात मान लेते हैं तो हम लोग अपनी कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे। हम बिल्कुल भी उपद्रव नहीं चाहते, बिल्कुल भी जनता को इकट्ठा नहीं करेंगे, हम कोर्ट से जीत के आएंगे, क्योंकि ये हम लोग राहत ले सकते हैं। आपातकाल का समय है, आपातकाल के समय में सबको अपने फायदे छोड़ देने चाहिए।